सुनिए जी। हाँ बोलो। आज ऑफिस से घर थोड़ा जल्दी आइएगा। क्यों? आज मैंने आपके लिए हरतालिका तीज व्रत रखा है और आज शाम उसी की पूजा है। आप रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जो करना है तुम खुद कर लो, मुझे तो इन चीजों से दूर ही रखो। वैसे भी आज शाम मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे अरे, लेकिन सुनिए तो। हेलो, आप मिसेज उत्तम बोल रही हैं क्या? जी हाँ, आप कौन? मैं डॉक्टर नवीन सिंह हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपके पति मिस्टर प्रवीण उत्तम जी को अभी अभी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। क्या? जी हाँ, उनका कार एक्सीडेंट हो गया है और वो घायल हैं। आप जल्द से जल्द आ जाएं। हे भोलेनाथ, मुझसे क्या भूल हो गई? ये कैसी परीक्षा है? क्यों खफा हो गए मेरे भोले, छोटे मेरी श्रद्धा की डोर न टूटे, डोर न टूटे। हूँ सुहागन अभागन करो ना विनती, बारंबार करूँ मैं।
व्रत का समापन करूं मैं, उमा शंकर की रहे हम पे कृपा, आजीवन व्रत ये रखूं मैं। मेरे पी की हो लंबी उम्र, तीज हर ताली का व्रत रखूं मैं। मिस्टर उत्तम, आप बहुत ही खुश नसीब हैं जो आपको ऐसी संस्कारों वाली पत्नी मिली है। ये इनके हरतालिका तीज व्रत की ही महिमा है जो आप सही सलामत बच गए। मुझे माफ कर दो खुशबू, जो मैं हरतालिका तीज व्रत की महिमा को समझ ना सका।